मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली हाथरस गेट पुलिस और एसओजी टीम को सातिर चोर गिरोह के 6 सातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। थाना हाथरस गेट पुलिस और एसओजी की टीम ने सातिर चोरों के पास से 1 लाख से अधिक की नकदी, लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, 3 तमंचों के साथ चोरी करने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ने सातिर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 6 सातिर चोरों को जेल भेजा है। आपको बता दें, थाना कोतवाली हाथरस गेट पुलिस और एसओजी टीम के गिरफ्त में आए सातिर चोर गिरोह लगातार थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा गठित की गई टीमों के साथ साथ एसओजी टीम सातिर चोरों की तलाश कर रही थी। 26 तारीख की देर रात 2 बजे मुखबिर से मिली सूचना पर थाना कोतवाली हाथरस गेट पुलिस और एसओजी की टीम ने सातिर चोर गिरोह के 6 सातिर रिहान पुत्र सलीम निवासी जनपद बुलंदशहर, गुड्डू पुत्र नन्ने निवासी जनपद काशमगंज, सुमित पुत्र महेश चंद्र निवासी जनपद काशमगंज, अरीब पुत्र नशरुद्दीन पुत्र मंसूर, सलीम पुत्र हलीम निवासी गढ़ जनपद हाथरस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के गिरफ्त में आए 6 सातिर चोरों के पास से थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने 1,02,000 रुपए की नकदी, लाखों रुपयों की कीमत के सोने चांदी के आभूषण, 3 अवैध असलाहा और चोरी करने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बरामद किए। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने सातिर चोर गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 6 सातिर चोरों को जेल भेज दिया है। देखिए, ये विगत महीनों से लगातार जनपद हाथरस में कई चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इसी संबंध में थाना हाथरस गेट और एसओजी की टीम द्वारा एक बहुत उल्लेखनीय काम किया गया है, जिसमें इन्होंने जो मुख्य रूप से चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, और इसमें एक सुनार जिसको ये जाकर के कासगंज में अपना चोरी किया गया माल बेचते थे, उसकी भी अरेस्टिंग हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो कि यहाँ को किराए पे कमरा देकर के रखे हुए था और उसकी जानकारी में थी कि ये चोर है और डेली चोरी करने निकलते हैं, उसको भी हिरासत में लेकर के कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे प्रकरण में जो बरामदगी हुई है, वो सभी जो मुख्य रूप से जो 3 चोरियां हैं जिनका खुलासा हुआ है, एक 28/29 की रात में श्री प्रदीप शर्मा जी साकेत कॉलोनी, इनके यहाँ चोरी हुई थी। इसी प्रकार 29/30 की रात्रि में रूबी वर्मा के यहाँ चोरी हुई थी, और 12/13 की रात्रि रमनपुर निवासी कल्पना दीक्षित के यहाँ जो चोरी हुई थी। इन तीनों ही चोरियों में टोटल मिलाकर के 35 से 40 लाख रुपए का माल और कैश गया था, जिसमें हमने अधिकतम माल जो ज्वेलरी है वो बरामद कर ली गई है, और 1,02,000 के आसपास कैश बरामद हो गया है। बाकी जो इनसे पूछताछ चल रही है, और उसके बाद भी इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के और बरामदगी का इसमें प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसमें जो एक व्यक्ति है रिहान उर्फ जीशान, उसकी यहाँ पर तोचीगढ़ में एक रिश्तेदारी है, उसी के चलते इसने हाथरस में कमरा किराए पर लिया था। और यहाँ के लोकल 2 नसरुद्दीन उर्फ बिहारी और आरिफ उर्फ सद्दाम, ये यहाँ के लोकल लड़के हैं जो यहाँ पर रेकी किया करते थे। और इनका मोडस ऑपरेंडा ये था कि ये सब्जी बेचने के बहाने ठेल लेकर के गलियों में निकलते थे, और जो भी घरों पे बंद ताले दिखाई पड़ते थे उसको चिन्हित कर लिया करते थे, और दिन भर ये आराम से सोते थे, और रात्र में 1:30 बजे निकलते थे, और 1:30 बजे से सुबह के 4 बजे तक ये अपनी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। और इस प्रकार की चोरी की घटनाओं के खुलासे से निश्चित तौर पर इन चोरी पर अंकुश भी लगेगा, और साथ ही साथ एक मैसेज भी जाएगा कि अगर कोई चोर तरीके का व्यक्ति किसी का किराए पर रह रहा है और सूचना वो नहीं देता, उसकी जानकारी में रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। कितने लोगों की सर गिरफ्तारी की है? इसमें देखिए, टोटल हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 चोर हैं और एक इसमें सुनार है जिसका नाम सुमित उर्फ भोले है, और एक सलीम पुत्र हलीम है जो इनको कमरा किराए पर दे करके अपनी जानकारी में यहाँ रखे हुए था, प्रश्न दिया हुआ था, इनकी भी गिरफ्तारी की गई है।